हेलो एवरीवन, तो स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज के वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ में अगर आप स्टेट काउंसलिंग में आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जरूरत होगा आफ्टर द अलॉटमेंट। ठीक है, आफ्टर द अलॉटमेंट आपको क्या क्या सब डॉक्यूमेंट आपको जरूरत होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग कुछ डॉक्यूमेंट मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको स्क्रीन पे भी दिख रही होगी। ठीक है, तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो नीट का एडमिट कार्ड होना चाहिए। ठीक है, जो 2024 में आपने नीट एग्जाम दिया है उसका एडमिट कार्ड होना चाहिए, और 2024 का स्कोर कार्ड होना चाहिए जो ऑल इंडिया रैंक को आपको शो कर रहा होगा। ठीक है, उसके साथ साथ आपको जो अलॉटमेंट हुआ है, ठीक है, उस अलॉटमेंट लेटर आपको डाउनलोड करना होगा साइट से, सीजीडीएमई के साइट से, और वो अलॉटमेंट लेटर आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा है आधार कार्ड होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होना चाहिए, मतलब डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आप रख लेना, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके बाद 10th और 12th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, दोनों में से कोई एक चलेगा। ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट होना चाहिए, मतलब डिमांड ड्राफ्ट कहने का मतलब आप चेक होता है जिसमें आप डिमांड ड्राफ्ट बनाते, जो भी आप प्राइवेट कॉलेज के लिए अलग होता है, ठीक है, वो आपको बैंक से बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगेगा, रिक्वायर्ड होगा, आप रखना। ठीक है, प्रूफ ऑफ द नेशनलिटी ऑफ इंडिया, मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट रहना चाहिए, अगर आप एनआरआई है तो एनआरआई के लिए आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, अगला है पासपोर्ट साइज फोटो, कम से कम 8 पासपोर्ट साइज या 10 पासपोर्ट साइज फोटो अपने पास रखें काउंसलिंग के समय। ठीक है, काउंसलिंग के समय इतना पासपोर्ट साइज फोटो आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, एनआरआई डॉक्यूमेंट आपको बता दिया, एनआरआई हो तो एनआरआई सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, गैप सर्टिफिकेट का एफिडेविट आपका होना चाहिए, तो आप गैप सर्टिफिकेट आप रिसेंट बनवा लेना। ठीक है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट टीसी आपका होना चाहिए, जहां या फिर आप कॉलेज छोड़ के आए हो तो वहां कॉलेज से आपको लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, दूसरा आपका करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये तीन सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हर जगह मांगते हैं यहाँ पर। उसके बाद फिटनेस सर्टिफिकेट जो आपको कॉलेज में ही बन जाता है, कॉलेज में जब आप आते हो तो वहीं पे आपको बना दिया जाता है फिटनेस सर्टिफिकेट। फिजिकली हैंडीकैप सर्टिफिकेट, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है उसके कोटा से आप आए हैं तो वो सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए। ठीक है, बाकी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आप अपने से बना के रख लेना। ठीक है, बाकी यहाँ पर भी बनाया जाता है, यहाँ पर में आप आओगे तो कॉलेज में आप बना दिया जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपने फिर करे, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लगभग 19 से 20 डॉक्यूमेंट है वो आपको संभाल के रखने हैं ड्यूरिंग द काउंसलिंग, जो अलॉटमेंट होने से पहले आप ये डॉक्यूमेंट आप अपने पास तैयार करके रख ले। ठीक है, तो क्या क्या है मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, नीट का एडमिट कार्ड होना चाहिए, और नीट का स्कोर कार्ड होना चाहिए, अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए, ठीक है, आधार कार्ड प्लस डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 10th 12th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, डिमांड ड्राफ्ट होना चाहिए। ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट आपको प्राइवेट कॉलेज के लिए 3 डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, एक ट्यूशन फी के लिए, एक ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और एक आपको बनाना पड़ेगा इसका हॉस्टल और मेस के लिए। ठीक है, और इसका 20,000 और एक एक्स्ट्रा होता है कॉशन मनी, वो आप देखना कि इसमें ट्यूशन फी में ही अपलोड इंक्लूड कर दो। ठीक है, या फिर आप अलग से भी बना सकते हैं, वो पूछ लीजिएगा वहां पर। ठीक है, ये दोनों। उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो आपको बता दिया, ठीक है ना, ये सब सारा है, मैं आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना, साइड में। तो ये सब सारा डॉक्यूमेंट आप पहले से रेडी करके रखें। ठीक है, कोर्ट का जो पेपर है वो आप पहले से बना के रखें। ठीक है, अगर आपको किसी तरह का इंक्वायरी चाहिए, आपको किसी तरह का हेल्प चाहिए, तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करें या फिर व्हाट्सअप करें, बेसिकली आप व्हाट्सअप करें क्योंकि कॉल बहुत लोगों का आता रहता है इसलिए। ठीक है, चलो, तो आप व्हाट्सअप करोगे तो इसमें आपको रिप्लाई मिलेगा और आपको हेल्प कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, थैंक यू सो मच।